हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे, फुल जानकारी। तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, मैनुअल वाला, 200 mm का हमारा वर्नियर कैलिपर होता है। ये देखो, ये देखा हुआ है 200 mm। तो दोस्तों ये हमारी ये वाले था ना, ये स्केल होता है, ये स्केल बोलते हैं ऐसे यहाँ तक के। और ये ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करने के लिए दोस्तों पहले भी जैसे कि हम आपको वर्नियर मिले तो हमें एक बार ये चेक करना है कि वर्नियर सही है या नहीं है। तो दोस्तों हम जैसे कि यहाँ से उठाते हैं वर्नियर को और ये 0 से 0 चेक करनी होती है। इसे बंद करने के बाद जैसे कि यहाँ पे कोई गैप नहीं है, होना चाहिए। और ये पॉइंट देखो दोस्तों, ये ऊपर का पॉइंट मिल जाना चाहिए और नीचे का भी पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल। अभी दोस्तों ये मिले हुए हैं, यानी कि ये वर्नियर बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो दोस्तों ये हमारा बोलते हैं स्केल। इस स्केल में दोस्तों ये हमारी होती है, स्केल में यहाँ से ये चेक किया जाता है, इसको बोलते हैं एमएम। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 mm तक के, इस तक के पॉइंट हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 10 15 20 25 30, ये ऐसे पूरे स्टार्ट करते करते ये यहाँ पे 200 mm तक के हो जाता है। 200 mm यहाँ तक के होता है ये। अब 200 mm हमें इसे चेक कैसे करना है? एग्जाम्पल दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, इसको यहाँ तक के पहुँचाया हमने। एग्जाम्पल हमें 5 mm करना है सेट इसको, या 1 mm करना, इस पॉइंट को इस पॉइंट तक के पहुँचाएंगे हम। ठीक है, ये 1 mm हो गया, ये 2 mm हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10, 10 mm इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम्पल हमारे लिए ये हमारा एक साइज है, हम इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी आ रही है 59 पॉइंट। अब हम चेक कैसे करेंगे इसमें? ये देखो, ये मैंने आपको बताया स्केल है, स्केल के द्वारा हम यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट हुआ 10 20 30 40 50। अब 50 के आगे ये एमएम स्टार्ट हो गया हमारे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 mm स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब ये हमारा 60 में थोड़ा कम है। ठीक है, लगभग 0.3 कम है ये। ठीक है दोस्तों, 0.34 कम है। तो ये हमारा हो गया 59.7 एग्जाम्पल। ये हमारा लेजर से पार्ट कटा हुआ है, 0.3 कम कटा हुआ है, 0.345। ठीक है, डिजिटल से भी चेक करके बता देंगे हम आपको कितना आ रहा है कितना नहीं। तो ये वर्नियर की के बारे में आपको यहाँ से यहाँ तक की हो गया जानकारी फुल। ठीक है दोस्तों, ये बढ़ती ये जरूर चेक करना होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम डिजिटल वर्नियर पे आ जाते हैं। डिजिटल वर्नियर में कैसे आपको चेक करा जाता है दोस्तों? ये होता है डिजिटल वर्नियर। डिजिटल वर्नियर, ठीक है, डिजिटल वर्नियर को जो दोस्तों यहाँ से हम ये ऑन ऑफ का होता है, ये ऑन किया हमने और ये 0 ही है, लेकिन इसको और 0 कर लेंगे। ये 0 कर लिया, 0 करने के बाद ये ऐसे खोलते चले जाते हैं। तो ये अपने एमएम निकाल रहा है ये। ठीक है, अब ये हमने चेक किया है इसको, ये आ रहा हमारा 59.59, यानी 59.6। ठीक है दोस्तों, 59.6 आ रहा है ये, 57 माइक्रोन, 2 माइक्रोन कम होता है। अब दोस्तों वर्नियर के बारे में आपको बताता हूँ मैं। वर्नियर में जैसे कि हम इसको खोलते जा रहे हैं, ये एमएम बढ़ते जा रहे हैं इसके। ठीक है, एमएम बढ़ते चले गए,
अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 mm में, ठीक है, 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं? ठीक है दोस्तों, 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, ठीक है, और 1 mm में 1000 माइक्रोन हो गए, और 1000 माइ और 1 mm में कितने पॉइंट होते हैं? पॉइंट होते हैं दोस्तों 10, ठीक है, 10 पॉइंट हो गए। ये ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं हम, ये बिल्डिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये हम 5 mm पे लिया, ये 6 पे, 7 पे, 8 पे, ठीक है। अब हम दोस्तों ये बोल्ट चेक करते हैं, बोल्ट कितने mm का है ये, ठीक है, इसका ये डाया चेक करना है फिलहाल के लिए हमें। ये दोस्तों दिखा रहा है 17.5 का, यानी कि 17.5 का ये दिखा रहा है। अगर यहाँ से इसकी चौड़ी चेक करते हैं, ये दोस्तों 11.5 दिखा रहा है, 11.52, ये 11.52 का है, और ये ऐसे दिखा रहा है 76.6, ठीक है दोस्तों। डिजिटल वर्नियर ऐसे चला जाता है, यहाँ से इसको पार्ट का पकड़ते हैं, और ये, और इसी में दोस्तों ये इंचेस में स्टार्ट हो गया है, इस बटन को दबाने से, mm और इंचेस का बटन ऑप्शन होता है, ये इंचेस में स्टार्ट हो गया, ये हमने इसको यहाँ से पकड़ा, तो दोस्तों ये इंचेस में दिखा रहा है 2.345, ठीक है, 2.345, तो ये इंचेस का साइज दिखा रहा है। और इसको हम mm में कन्वर्ट कर देते हैं, दो ही मोड में चलता है वर्नियर, mm में और इंचेस में, ठीक है, ज़्यादातर हम mm में यूज़ करते हैं, ठीक है, mm और माइक्रो पॉइंटों में, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों चैनल को मेरे, ठीक है। वर्नियर की वीडियो देखो नॉर्मली तरीके से मैंने आपको बता दिया, डिजिटल की तो बता ही दी, अब जनरल इसकी बता देता हूँ। देखो ये पॉइंट से पॉइंट चेक करने होते हैं ऐसे करके, यहाँ से जैसे कि ये पॉइंट हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये 69.5 आ रहा है, 6, ठीक है दोस्तों। और ये यहाँ से टाइट हो जाता है, यहाँ से पकड़ना पड़ता है दोस्तों, ये इसे दबाते हैं ना तो यहाँ से उंगली में गड्ढा भी हो जाता है, यहाँ पे गुंठे में, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद जी, ओके, बाय बाय।